तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगनर यानी कि UFB का पार्ट 14 है, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चार अक्षर से मिलकर बने ई मात्रा वाले उर्दू के शब्द, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इतना ईजी वे में, इतना सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हर एक चीज़ आप लोग के माइंड में घुसेगा। ठीक, देखिए उर्दू को पढ़ना, लिखना और सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, बस आप लोग के अंदर वो जोश, वो जज्बा और वो मोटिवेशन होना चाहिए उर्दू को सीखने की। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मात्र रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं वो वीडियो को शेयर वगैरह करें और लाइक ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, लेकिन लाइक एक ही बार कीजिएगा। ठीक, तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखिए चार अक्षर से मिलकर बने ई मात्रा वाले शब्दों को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, जिसमें सभी तरह के ई मात्रा वाले शब्द हैं, मतलब छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आ की मात्रा भी है। सभी तरह के शब्द यानी कि लफ्ज़, शब्द उर्दू में लफ्ज़, तो सभी तरह के लफ्ज़ों को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है बराबरी। तो सबसे पहले आप लोगों को यही देखना है कि बराबरी में पहला अक्षर कौन सा है, पहला हर्फ कौन सा है। तो बराबरी में सबसे पहला अक्षर जो है वो है ब। तो ये सोचना है आप लोगों को कि ब को उर्दू में क्या कहते हैं। ब को उर्दू में बे कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर फटाफट बे लिख दीजिए, बे से तो ब हो गया। फिर अगला अक्षर देखिए क्या है, रा है। तो ये सोचिए कि रा को उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक, तो रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट रे लिख दीजिए, रे से तो रा हो गया बट यहाँ पर क्या है, रा है। तो आ की मात्रा में, रे से तो रा हो गया बट इसको रा बनाने के लिए क्या करेंगे, आ की मात्रा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अलिफ जोड़ते हैं। तो इस रे में क्या जोड़ देंगे, अलिफ जोड़ देंगे। तो रे में अलिफ जुड़कर रा हो जाएगा। उसके बाद से अगला अक्षर है ब। ब को उर्दू में अभी मैं बताई बे कहते हैं, तो फिर से यहाँ पर बे लिख दीजिए, बे से तो ब हो गया। फिर लास्ट अक्षर देखिए क्या है, लास्ट अक्षर है री। तो रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो फिर से यहाँ पर रे लिख दीजिए, रे से तो रा हो गया बट यहाँ पर री है, यानी कि इस रा को री में बदलना है, ई की मात्रा में बदलना है। तो किसी भी अक्षर को ई की मात्रा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से ई की मात्रा में है, छोटी ई की मात्रा में है कि बड़ी ई की मात्रा में है। अगर छोटी ई की मात्रा में रहेगी तो उसमें सिर्फ जेर लगा देंगे, अगर बड़ी ई की मात्रा में रहेगी तो उसमें छोटी ये जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए री जो है ये कौन सी ई की मात्रा है, री में कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है। अगर छोटी ई की मात्रा रहती तो इधर से री रहता, इधर से। अगर बड़ी ई की मात्रा री में रहती तो इधर से रहती। तो देखिए तो कौन सा री की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि इधर से है ये री। ठीक, इधर से यानी कि इधर से रहता है तो उसको कहते हैं बड़ी ई की मात्रा। तो इस री में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा रहती है तो उसको ई की मात्रा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी ये जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोटी ये जोड़ देते हैं। तो इस रे में आप क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे। तो रे में छोटी ये जोड़कर री हो जाएगी। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आसानी से लिखा जाएगा। देखिए मैं जोड़कर बता रही हूँ, एक मिनट। हाँ, तो अब इन सबको जोड़िए। देखिए आप लोग जानते हैं बे का सिर्फ 50% पार्ट, आधा भाग, इतना ही भाग उठाया जाता है। तो उठा लीजिए बे का आधा भाग। ठीक है, तो देखिए ये हो गया बे का आधा भाग, बे से बा। फिर उसके बाद से ये जो रे है, इस रे को इसी बे में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। ये वाला जो रे है इसी बे में आकर ऐसे जुड़ गया, तो बे में रे जुड़कर बर। लेकिन हमको लिखना क्या है, बरा लिखना है, यानी कि इस अलिफ को इस रे में जोड़ना पड़ेगा, तभी ना रे में अलिफ जुड़कर रा होगा। तो इस अलिफ को लेकर जाइए और इसी रे के पास चिपका दीजिए। तो देखिए बे से ब और रे में अलिफ जुड़कर रा हो गया, बरा हो गया। फिर अगला जो बे है इसका भी 50% यानी कि आधा भाग उठाइए। देखिए इतना उठा लिए, आधा भाग बे का, तो बे से ब हो गया। और फिर ये जो रे है इसी बे में फिर से जोड़िए ऐसे, तो फिर बे में रे जुड़कर बर हो गया। बट हमको लिखना क्या है, री, यानी कि इस छोटी ये को इस रे में जोड़ेंगे तभी तो री होगा ना। तो ले जाकर, लेकर चले जाइए छोटी ये को, इस छोटी ये को इस रे के पास ऐसे ले जाकर चिपका दीजिए। तो ये हो गया रे में ये जुड़कर री। तो फिर से देखिए बे से ब, रे में अलिफ जुड़कर रा, और फिर बे से ब और रे में ये जुड़कर री। तो ब रा ब री, बराबरी। देखिए कितना आसानी से लिखा गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए बे का आधा भाग उठाएं, बे से ब, रे इसी में जोड़ दिए बे में, और रे में अलिफ जुड़कर रा हो गया। बे से ब, रे में अलिफ जुड़कर रा, और फिर ब, ये वाला जो बे है बे का 50% पार्ट उठा लिए, बे से ब, और फिर इसी में रे जोड़ दिए, बे में रे जोड़ दिए, और इसको री बनाने के लिए रे में छोटी ये जोड़ दिए। तो बे से ब और रे में छोटी ये जुड़कर री। तो ब रा ब री, बराबरी।
देखिए कितना आसानी से लिखा गया। फिर आगे बढ़िए, अगला जो शब्द है वो है सरकारी। सरकारी में सबसे पहला अक्षर क्या है? सौ। सबसे पहले देखिए कि सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीन, ये हो गया आप लोगों का सीन से सौ। फिर अगला अक्षर क्या है? रौ। रौ को उर्दू में रे कहते हैं, लिख दीजिए रे। फिर का है, कौ को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, तो यहाँ पर काफ लिख दीजिए। काफ से क हो गया, बट यहाँ पर क्या है? का है, तो काफ से तो का हो गया। का बनाने के लिए क्या करेंगे? इस काफ में आप लोग अलिफ जोड़ेंगे, तो काफ में अलिफ जोड़कर का हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर क्या है? री। रौ को उर्दू में रे कहते हैं, इसको री बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है तो इस रे में क्या जोड़ेंगे? छोटी ये जोड़कर री बनाएंगे, तो छोटी ये जोड़ देंगे तो री हो जाएगी। ठीक है, अब इन सबको जोड़िए। देखिए आप लोग जानते हैं सीन का जो है ना ये 50% आधा भाग ये नोकीदार पार्ट उठाया जाता है, तो सीन का जो है ना ये आधा भाग उठा लीजिए, नोकीला वाला पार्ट। ठीक, तो ये सीन से तो सौ हो गया, उसके बाद से ये जो रे है इसी रे को ले जाकर सीन में ऐसे जोड़ देना है, तो सीन में रे जुड़कर क्या हो गया? सर हो गया। उसके बाद से ये जो काफ है कौ, इसका आधा भाग आप लोग जानते हैं इतना उठाया जाता है काफ का, तो उठा लीजिए। ये जो है ना बस ये सीधा वाला भाग जो है ये यहाँ पर सीधा ना रहकर कर्व हो जाता है, यहाँ पर गोल हो जाता है ऐसे। तो देखिए ये हो गया आप लोग का काफ से क, लेकिन यहाँ पर का है ना, का काफ में अलिफ तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये जो अलिफ फैले जाकर काफ में जोड़ दीजिए। तो देखिए सीन में रे जुड़कर सर और काफ में अलिफ जुड़कर का। अब ये जो रे है जिस तरह यहाँ पर लिखा है बिल्कुल हु बहू यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक, तो देखिए रे से रा, तो सीन में रे जुड़कर सर, काफ में अलिफ जुड़कर का और रे से रा, ये तो सरकार लिखा गया। हमको लिखना क्या है? सरकारी, यानी कि लास्ट में ये जो रा है इसको ई की मात्रा में बदलना है, यानी कि इसमें क्या करेंगे? छोटी ये ले जाकर जोड़ देंगे, तभी तो री होगा ना। तो इस छोटी ये को आप क्या कीजिए, लेकर चले जाइए रे के पास और चिपका दीजिए, तो रे में ये जुड़कर री हो गया, तो अब हो जाएगा सरकारी। देखिए कैसे सीन में रे जुड़कर सर, काफ में अलिफ जुड़कर का और रे में ये जुड़कर री, तो सर का री सरकारी। देखिए कितना आसानी से लिखा गया, इस तरह आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, हर चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा, धीरे धीरे सीक्वेंस में जाएंगे तो माइंड में फिट होते जाएगा। ठीक, तो देखिए अगला अक्षर, अगला शब्द है कामयाबी। कामयाबी में सबसे पहला अक्षर क्या है? का। का को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, तो काफ लिख दीजिए। काफ से क हो गया, का बनाने के लिए क्या करेंगे? अलिफ जोड़ेंगे। फिर म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, तो यहाँ पर मीम लिख दीजिए, मीम से म हो गया। फिर अगला अक्षर क्या है? या। आप लोग जानते हैं या को उर्दू में क्या कहते हैं? ये कहते हैं, छोटी ये, तो यहाँ पर छोटी ये लिख दीजिए। ये से तो या हो गया, बट या बनाने के लिए इसी छोटी ये में अलिफ जोड़ेंगे, तो या हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट अक्षर क्या है? बी। ब को उर्दू में बे कहते हैं, तो बे लिख दिए। बे से तो ब हो गया, बट बी बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि बी में कौन से ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना बी में बड़ी ई की मात्रा है, इधर से है, तो जब बड़ी ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या जोड़ते हैं? छोटी ये जोड़ते हैं। तो इस ब को बी बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? छोटी ये जोड़ेंगे। ठीक, अब इन सबको जोड़िए। आप लोग जानते हैं काफ का आधा भाग उठाया जाता है इतना, तो उठा लीजिए। देखिए ये सीधा भाग है, बस इसको गोल कर दिया जाता है, ऐसे कर्व कर दिया जाता है। तो ये देखिए काफ से का हो गया, उसके बाद से का हमको बनाना है, तो इसी काफ में क्या करेंगे? अलिफ जोड़ देंगे। ये जो अलिफ है यहीं पर लाकर ऐसे जोड़ देंगे, तो काफ में अलिफ जुड़कर क्या हो गया? का हो गया। उसके बाद से आप लोग जानते हैं मीम का ये बिंदु वाला भाग, आधा भाग उठा लिया जाता है, तो उठा लीजिए। ये हो गया आप लोगों का मीम से माँ। अब मैं आप लोग को बताई हूँ, छोटी ये जो होती है दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो यहाँ पर भी ये क्या करेगी? छोटी ये मीम में जब जुड़ेगी, इस मीम से तो माँ हो गया, अब इसी में ये जोड़ना है, तो ये जो है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी। तो देखिए ये हो गया आप लोग का मीम से माँ, और इसी में ये जुड़ गई, ये जो ये है ये जुड़ गया। तो ठीक है, तो मीम में ये जुड़ गई, उसके बाद से इसी ये में आप लोगों को अलिफ जुड़कर या बनाना है ना। देखिए काफ में अलिफ जुड़कर का हो गया, मीम से माँ काम हो गया, और इसी में ये जुड़ गया है, लेकिन ये को या बनाने के लिए ये अलिफ को ले जाकर जोड़ेंगे ना, तो ये जो है ना अलिफ को ले जाकर ये में जोड़ दीजिए, तो ये में अलिफ जुड़ कर या, और फिर बे का आप लोग जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। बे से ब हो गया, और इसी बे से तो ब हो गया, बट ये बनाने के लिए छोटी ये इसी बे में ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। देखिए ये बे से ब था, और इसी में ये छोटी ये जो है ऐसे ले जाकर जोड़ दिए, तो बे में ये जुड़कर बी हो गया। तो देखिए फिर से काफ में अलिफ जुड़कर का, मीम से म, ये में अलिफ जुड़कर या, और बे में ये जुड़कर बी, तो काम या और बी कामयाबी। आगे बढ़िए अजनबी।
अजनबी में सबसे पहला अक्षर क्या है? अ। अ को उर्दू में अलिफ कहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अलिफ से तो अ हो गया। फिर अगला अक्षर क्या है? ज। ज को उर्दू में जीम कहते हैं, जीम लिख दीजिए। प्लस न है, न को उर्दू में नून कहते हैं, नून लिख दीजिए। प्लस बी है लास्ट वाला अक्षर। ब को उर्दू में बे कहते हैं, बे लिख दीजिए। अब यहाँ पर बी है ना, ई की मात्रा है, तो देखिए कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है? तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी ये जोड़ देते हैं। तो इस ब को बी बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। अब इन सबको जोड़िए। अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह यहाँ पर भी लिख दीजिए, अलिफ से अ हो गया। जिम का आप लोग जानते हैं ये आधा भाग, इतना ही भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का जिम से ज। ठीक, उसके बाद से नून का भी आधा भाग उठाया जाता है, इसे जिम में क्या कर दीजिए, ये नून जोड़ दीजिए। देखिए सिर्फ इतना ही भाग उठा है, तो ये हो गया आप लोगों का नून से ना। फिर उसके बाद से बे का फिर आधा भाग इतना ही उठाया जाता है, तो इसी में बे ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक, इतना भाग आधा भाग उठा दिए तो बे आ गया। अब देखिए अलिफ से अ, जिम से ज, नू से न और बे से ब। ठीक, और इसी बे में आप क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे। तो ये जो बे है यहाँ पर, इसी में ये छोटी ये आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो देखिए बे में ये जुड़कर क्या हो गई, बी हो गई। तो अलिफ से अ, जिम से ज, नू से न, बे में ये जुड़कर बी, अजनबी। देखिए अजनबी, अजनबी कितना आसानी से लिखा गया। ठीक, आगे बढ़िए नाशपाती। नाशपाती में सबसे पहला अक्षर क्या है, ना। ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, नून से ना हो गया, बट ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। फिर अगला अक्षर क्या है, शौ। शौ को उर्दू में बड़ी शीन कहते हैं, बड़ी शीन लिख दीजिए। प्लस पा है, पा को उर्दू में पे कहते हैं, तो पे लिख दीजिए। पा बनाने के लिए पे में अलिफ जोड़ेंगे। फिर लास्ट वाला अक्षर क्या है, ती है। तो को उर्दू में ते कहते हैं, बट ते 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 से तो त हो गया, बट ती बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, तो ती में भी बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। इस ते से तो त हो गया, बट इसको ती बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। क्यों छोटी ये जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा थी इसीलिए। अब देखिए क्या, अब इन सबको जोड़िए। नून का आप लोग जानते हैं, नून का सिर्फ आधा भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए। ये देखिए नून से ना हो गया, अब इसको ना बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर इसी नून में जोड़ दीजिए। नून में अलिफ जुड़कर ना हो गया, शीन का ये नोकीदार पार्ट आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये देखिए आप लोगों का बड़ी शीन से शाह हो गया, नून में अलिफ जुड़कर ना और शीन से शाह नाश हो गया। अब ये जो है पे का आधा भाग इतना ही उठाया जाता है, तो इसी शीन में ऐसे पे जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए शीन से श और इसी में ये जो पे है, पे से प जुड़ गया, बट यहाँ पर पा है ना, तो पे में अलिफ जोड़ना पड़ेगा, इसी पे में आप की क्या कीजिए, अलिफ जोड़ दीजिए, तो पे में अलिफ जुड़कर पा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से ती है, त का सिर्फ आधा भाग उठाया जाता है, इस ते का उठा लीजिए। ये देखिए ते से त हो गया, उसके बाद से इसी ते में आप क्या करेंगे, ये छोटी ये जोड़ देंगे, ये जो छोटी ये है यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए नून में अलिफ जुड़ करना, शीन से श, पे में अलिफ जुड़कर पा और ते में ये जुड़कर ती, नाश पाती, नाश पाती। फिर से नून में अलिफ जोड़े थे तो ना हो गया, सिन से श, पे में अलिफ जुड़कर पा हो गया और ते में छोटी ये जुड़ गई तो ती, नाश पाती। देखिए कितना आसानी से लिखा गया। आगे बढ़िए जानकारी। जानकारी में सबसे पहला अक्षर क्या है, जा है। जा को उर्दू में जिम कहते हैं, जिम लिख दीजिए। जिम से जा हो गया, जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। फिर ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। फिर का है, का। का को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। फिर री है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। री बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो इस रे में क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे, तो री हो जाएगा। अब इन सबको जोड़िए। आप लोग जानते हैं जिम का ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये हो गया आप लोग का जिम से जा। जा बनाने के लिए इसी जिम में क्या करेंगे, आप अलिफ ऐसे जोड़ देंगे, तो जिम में अलिफ जुड़कर जा हो गया। उसके बाद से नून, नून का ये आधा भाग उठाया जाता है, तो नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून से ना हो गया। अब काफ का जो है ना, ये आधा भाग उठा लीजिए, काफ का इस तरह उठा लीजिए आधा भाग, और ये जो सीधा वाला भाग है, ये सीधा वाला भाग ना होकर यहाँ पर गोल वाला भाग रहेगा। ठीक, गोल कर देंगे ऐसे। तो देखिए काफ से हो गया आप लोग का क, लेकिन यहाँ पर का है ना, काफ में अलिफ जुड़कर का, तो इसी काफ में आप ऐसे अलिफ जोड़ दीजिए। ठीक, तो काफ में अलिफ जुड़कर क्या हो गया, का हो गया। एक बार फिर से देखिए, जिम में अलिफ जुड़कर जा, नून से न, और काफ में अलिफ जुड़कर का। अब देखिए रे है यहाँ पर र, तो इस जिस तरह यहाँ पर रे लिखा है उसी तरह यहाँ पर भी रे लिख दीजिए, और इस रे से तो रा हो गया। देखिए
जिम में अलिफ जुड़ कर जा, नून से ना, काफ में अलिफ जुड़ कर का और रे से ना, रा। ये तो जानकार हो गया ना, हमको लिखना क्या है, जानकारी। जानकारी लिखने के लिए इस जो लास्ट वाला रे है, इस लास्ट वाले रे में आप क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे, तभी ना री बनेगा, नहीं तो इस तरह तो जानकार लिखा गया। जानकारी लिखने के लिए इस छोटी ये को रे में जोड़ना पड़ेगा। तो इस छोटी ये को लेकर चले जाइए रे के पास और चिपका दीजिए। देखिए रे में ये जुड़कर क्या हो गया, री हो गया। तो देखिए जिम में अलिफ जुड़कर जा, नून से न, काफ में अलिफ जुड़कर का और रे में ये जुड़कर री, जानकारी, जानकारी। ठीक, आगे बढ़िए। तरकारी, तरकारी में सबसे पहला अक्षर क्या है, त। तो उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, ते लिख दीजिए, ते से तो त हो गया। र है अगला अक्षर, र को उर्दू में रे कहते हैं, रे लिख दीजिए। का है, क को उर्दू में क्या कहते हैं, क, काफ कहते हैं और काफ से क हो गया। का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, फिर री है, र को उर्दू में रे कहते हैं। री में देखिए कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है कि छोटी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो इस रे में क्या करेंगे आप लोग, छोटी ये जोड़ेंगे। अब इन सबको जोड़िए, आप लोग जानते हैं ते का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया ते से त। अब इसी ते में रे जोड़ दीजिए, ते में र जुड़कर क्या हो गया, तर हो गया, ते में रे जुड़कर तर हो गया। अब काफ का आधा भाग उठा लीजिए, इतना काफ का आधा भाग उठा लिए, बस ये सीधा भाग जो है ना, ये ना रहकर यहाँ पर गोल वाला भाग रहेगा। तो ये देखिए काफ से क हो गया और काफ में अलिफ जोड़ दीजिए, ये तो काफ में अलिफ जोड़कर का और फिर ये जो रे है जिस तरह यहाँ पर लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, रे से र और इस देखिए यहाँ पर ते में रे जुड़कर तर, काफ में अलिफ जुड़कर का और रे से र, ये तो तरकार हो गया। तरकारी बनाने के लिए इस छोटी ये को रे में जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इस छोटी ये को कहाँ लेकर चले जाइए, छोटी ये के पास चिपका दीजिए। ठीक, तो अब हो गया तरकारी। देखिए ते में रे जुड़कर तर, ते में रे जुड़कर तर, काफ में अलिफ जुड़कर का, रे में ये जुड़कर री, तरकारी, तरकारी। ठीक, आगे बढ़िए। अधिकार, अधिकार में सबसे पहला अक्षर क्या है, अ, ये शुद्ध हिंदी शब्द है। ठीक, तो अधिकार में सबसे पहला अक्षर क्या है, अ, अ को उर्दू में कहते हैं अलिफ, अलिफ लिख दीजिए, फिर धी है, ध को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह डी से द और डी में एच जोड़कर डी एच से ध, उसी तरह उर्दू में होता है दाल से द और दाल में एच यानी कि ये वाला हे जोड़कर ध हो जाता है, तो इस तरह लिखा जाता है ध। ठीक, तो ये तो हो गया ध, लेकिन हमको लिखना क्या है, धी लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे, तो ध में छोटी ये जोड़कर धी हो जाएगा। उसके बाद से का है, क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, काफ से क हो गया, का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे और उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर क्या है, र, र को उर्दू में रे कहते हैं, लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, अलिफ जिस तरह है उस तरह लिख दीजिए, अलिफ से अ हो गया, जिस तरह ध लिखा है उसी तरह लिखिए ध। ठीक, ये हो गया आप लोगों का ध। ठीक, अलिफ से अ और ध हो गया। उसके बाद से ये जो छोटी है आप लोग जानते हैं जब दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो यहाँ पर भी छोटी ये जो है ना जुड़ेगी तो ऐसा रूप ले लेगी। देखिए मैं आप लोगों को बताई ना, ऐसा रूप ले लेती है, तो यहाँ पर भी क्या कि छोटी ये जुड़कर ऐसा रूप ले ली। ठीक, तो अलिफ से अ और ध में ये जुड़कर धी हो गया। उसके बाद से काफ का ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, बस ये सीधा भाग जो है ना यहाँ पर गोल हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का काफ से क, अलिफ से अ, ध में ये जुड़कर धी, काफ से क। अब का बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर इसी काफ में ऐसे जोड़ दीजिए, तो काफ में अलिफ जुड़कर का और ये जो रे है ले जाकर लास्ट में ऐसे चिपका दीजिए, तो रे से र, तो अधिकार हो जाएगा। देखिए अलिफ से अ, ध में ये जुड़कर धी और काफ में अलिफ जुड़कर का और रे से र, अधिकार। ठीक, आगे बढ़िए। अलमारी, अलमारी में सबसे पहला अक्षर क्या है, अ, अ को उर्दू में अलिफ कहते हैं प्लस ल है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, लिख दीजिए, लाम से ल हो गया। ठीक, माँ है, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, जरा मैं लाम अच्छा से लिख दूँ, ये हो गया। ठीक, मीम से माँ हो गया, बट माँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अलिफ जोड़ेंगे मीम में। उसके बाद से री है, र को उर्दू में रे कहते हैं, री है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे, बड़ी की मात्रा है तो। ठीक, उसके बाद से अब इन सबको जोड़िए, अलिफ जिस तरह लिखा है उस तरह लिख दीजिए, अलिफ से अ हो गया। लाम का आप लोग जानते हैं आधा भाग, सिर्फ इतना भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का लाम, ये हो गया अलिफ और ये हो गया आप लोगों का लाम। ठीक, अलिफ से अ, लाम से ल। अब इसी लाम में यानी कि ल में ये जो मीम है, मीम का ये बिंदु वाला भाग लगा देना है यहाँ पर ऐसे, देखिए ये देखिए मीम का सिर्फ ये बिंदु वाला आधा भाग उठा लेना है, तो उठा लिए यहाँ पर मीम से म। ठीक, अब इसी मीम में ये जो अलिफ है माँ बनाने के लिए, इसी मीम में अलिफ ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो देखिए अलिफ से अ, लाम से ल और मीम में अलिफ जुड़कर माँ, अल माँ हो गया।
ठीक, उसके बाद से ये जो रे है जिस तरह लिखा है वहाँ पर उसी तरह यहाँ पर भी लिख दीजिए, रे से र। तो देखिए अलिफ से अ हो गया, लाम से ला, मीम में अलिफ जुड़कर माँ, और रे से ला अलमार हो गया। अब री बनाने के लिए छोटी ये जो है ले जाकर लास्ट में रे के पास इसे चिपका दीजिए, तो रे में ये जुड़कर री हो जाएगा। अलिफ से अ, लाम से ला, मीम में अलिफ जुड़कर माँ, और रे में ये जुड़कर री, तो अल मीम में अलिफ जुड़कर माँ, अल माँ, और रे में ये जुड़कर री, अलमारी। ठीक, आगे बढ़िए रिमझिम। रिमझिम में सबसे पहला अक्षर क्या है? री है। र उर्दू में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो यहाँ पर रे से तो र हो गया, बट यहाँ पर क्या है? री है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन से की मात्रा है, छोटी की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है? तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर छोटी की मात्रा है। अगर बड़ी की मात्रा रहती तो इधर से री रहती, लेकिन यहाँ पर इधर से ई की मात्रा है, यानी कि ये छोटी की मात्रा है। तो जब भी छोटी की मात्रा होती है तो उसको ई की मात्रा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ जेर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर रे से तो रा हो गया, बट इसको री बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? सिर्फ जेर जोड़ दिया जाता है ऐसे नीचे, इसी को कहते हैं जेर, जो कि हर अक्षर के नीचे लगता है। तो रे के नीचे सिर्फ ये जेर जोड़ देंगे ना, तो ये क्या हो गया? रे के नीचे जेर जुड़कर री हो गया, बस। अगर बड़ी ई की मात्रा इधर से रहती तब इसमें रे में छोटी ये जोड़ते, लेकिन यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो सिर्फ जेर जोड़ दिए नीचे, तो रे में रे के नीचे जेर जुड़ कर क्या हो गया? री। और उसके बाद से अगला अक्षर क्या है? मौ। मौ को उर्दू में कहते हैं मीम, मीम से मौ हो गया। अगला अक्षर क्या है? झी। झ को उर्दू में क्या कहते हैं? जिस तरह जे से ज और जे में एच जोड़कर जे एच से झ, इन द सेम वे उर्दू में जीम से ज, जीम से ज, और इसी जीम में क्या कर देते हैं? हे जोड़ देते हैं, यानी कि एच जोड़ देते हैं, तो जीम में एच जोड़कर झ हो जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का झ। बट ये क्या है? झी है यहाँ पर, ये तो झ हो गया, बट यहाँ पर क्या है? झी, ई की मात्रा है। तो कौन से ई की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है? तो इसमें भी क्या है? छोटी ई की मात्रा है। तो जब इसमें भी छोटी ई की मात्रा है तो क्या करेंगे? इसके नीचे जेर जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद से लास्ट वाला अक्षर देखिए क्या है? मौ। मौ को उर्दू में कहते हैं मीम, तो यहाँ पर मीम लिख दीजिए। अब इन सब को जोड़िए, देखिए जिस तरह रे है उसी तरह लिख दीजिए, रे से र, और रे के नीचे जेर जोड़कर री बना दिए, और इसी रे के पास ले जाकर ये मीम जो है चिपका दीजिए। तो रे के नीचे जेर जुड़कर री तो हो ही गया था और मीम जुड़ गया, तो ये हो गया मीम से मौ। तो ये हो गया आप लोगों का रिम। उसके बाद से ये जो झ है जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए झ, बस इसको झी बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके नीचे जो जेर जुड़ा है वो जोड़ देंगे, तो इस झ में जेर जुड़कर क्या हो गया? झी हो गया। अब ये जो मौ है, मौ मीम, इसका ये जिस तरह पूरा का पूरा लिखा है उसी तरह इसी झ में ले जाकर ऐसे लास्ट में जोड़ देंगे। तो देखिए रे के नीचे जेर जुड़कर री और मीम से मौ, रिम हो गया। झ था, झ के नीचे जेर जोड़ दिए तो झी हो गया, और मीम से मौ झिम, तो रिम प्लस झिम, रिम झिम, रिम झिम। देखिए कितना आसानी से लिखा गया। अब मैं आप लोगों को बताई क्या हूँ कि ये जो जेर है इसको दिखाया नहीं जाता है, इसको बस मिटा दिया जाता है। मन में माना जाता है कि नीचे क्या है? जेर है। ज़बर जेर पेश नहीं दिखाया जाता है कहीं भी उर्दू लिखा हुआ आप लोग देखेंगे, कहीं भी ज़बर जेर पेश नहीं लिखा रहता है, मिटा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नीचे क्या है? जेर है। ऐसे पढ़ेंगे अगर नीचे जेर नहीं रहेगा तो इस तरह कैसे पढ़ेंगे? कोई मतलब ही नहीं रहेगा, रम झम ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर नीचे जेर रहेगा तभी तो आप उसका सही मीनिंग निकलेगा ना। रे के नीचे जेर रहेगी तो रिम, और झे के नीचे जेर रहेगा तो झिम, तो रिम झिम, रिम झिम। ठीक, तो नीचे ये जो जेर है भले ही रहता है लेकिन हम लोग मन में मानते हैं कि नीचे क्या है? जेर है, लेकिन इसको दिखाया नहीं जाता है, ये याद रखना है। ये यहाँ पर जेर तो रहता है लेकिन दिखाया नहीं जाता है। ठीक, आगे बढ़िए करीना। करीना इसमें तीन ही अक्षर है, अच्छा कोई बात नहीं है। करीना तो इसमें देखिए पहला अक्षर क्या है? क। क को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। उसके बाद से री है, तो र को उर्दू में रे कहते हैं। री बनाने के लिए देखिए कौन से ई की मात्रा है? तो बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? छोटी ये जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं। ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए काफ का सिर्फ ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये काफ से क हो गया, इसी में क्या कर दीजिए? रे जोड़ दीजिए। काफ में र जुड़कर कर हो गया, लेकिन हमको क्या लिखना है? करी लिखना है। तो ये जो ये है छोटी, ये आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। छोटी ये क्या करेगी? अपना शक्ल चेंज कर लेगी और इस रूप में जाएगी। ठीक, तो ये हो गया रे में ये जुड़कर री। अब देखिए नून का जो ये आधा भाग है उठा लीजिए, इतना नून से ना हो गया, इसी नून में अलिफ जोड़ दीजिए। नून में अलिफ जुड़कर ना, तो देखिए काफ से क, रे में ये जुड़कर री, और नून में अलिफ जुड़कर ना, क री ना, करीना। आगे बढ़िए शहजादी। शहजादी में सबसे पहला अक्षर क्या है? श। श को उर्दू में क्या कहते हैं? बड़ी शीन, तो लिख दीजिए बड़ी शीन से
श, उसके बाद से ह है, ह को उर्दू में क्या कहते हैं, छोटी है कहते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए है। उसके बाद से जा है, जा को उर्दू में क्या कहते हैं, जे कहते हैं, तो लिख दीजिए जे से जा हो गया, बट जा बनाने के लिए जे में अलिफ जोड़ दिए। उसके बाद दी है, दा को उर्दू में दाल कहते हैं, दी बनाने के लिए देखिए कौन से ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। अब इन सबको जोड़िए, आप लोग जानते हैं सीन का ये सिर्फ नोकीदार आधा भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए, ये देखिए सीन से शाह हो गया। अब ये जो है मैं आप लोगों को बताई हूँ, अपना शकल चेंज करके ये वाले रूप में आ जाता है, तो यहाँ पर भी जो है ना हे ऐसा ही रूप धारण कर लेगा। देखिए ये जो है अपना रूप ऐसे बदल लिया, शकल चेंज कर लिया, तो शीन से सा और हे से ह हो गया। अब ये जो जे है इसी है में ऐसे आकर जुड़ जाएगा, देखिए शीन से शा, हे से ह और जे से ज, लेकिन यहाँ पर क्या है, जा है, यानी कि जे में अलिफ जोड़ना है, तो जे में क्या कर दीजिए, अलिफ जोड़ दीजिए, तो शीन से शा, हे से ह, जे में अलिफ जोड़ कर जा, और ये जो दाल है जिस तरह लिखा है उसी तरह उतार दीजिए और दाल में छोटी ये जोड़ दीजिए, तो दाल में ये जुड़कर दी। तो देखिए अब फिर से देखिए शीन से शा, हे इसी में हे जुड़कर हे से ह, तो शीन से शा, हे से ह, जे में अलिफ जुड़कर जा और दाल में ये जुड़कर दी, शह जे में अलिफ जुड़कर जा, शह जा और दी, शहजादी। देखिए कितना आसानी से लिख गया, एक बार फिर से देखिए, शीन से शा, हे से ह, जे में अलिफ जुड़कर जा और दाल में ये जुड़कर दी, तो शह जा दी, शहजादी। ठीक, आगे बढ़िए, अगरबत्ती। अगरबत्ती में सबसे पहला अक्षर क्या है, अ, अ को उर्दू में अलिफ कहते हैं, ग है, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, प्लस र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, प्लस ब है, ब को उर्दू में बे कहते हैं, प्लस त है, ती है, तो त को उर्दू में ते कहते हैं, बट यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, देखिए इसमें आधा त है फिर पूरा त है, तो यहाँ पर एक ही तो त रहेगा, उसके बाद से ती बनाने के लिए आप देखेंगे कि कौन से ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो आप इसमें छोटी ये जोड़ देंगे। अब देखिए इन सबको जोड़िए, अलिफ से अ होता है तो अलिफ लिख दीजिए, अलिफ से अ हो गया, गाफ का सिर्फ इतना ही भाग, आधा भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए, ये हो गया आप लोग का गाफ से ग। अब इसी में र यानी कि रे जोड़ दीजिए, ये वाला रे जोड़ दिए, अलिफ से अ, गाफ में गाफ से ग और रे से र, अगर हो गया। अब ये जो देखिए ब है, ब का आधा भाग उठाइए, उठा लिए, ये हो गया ब, और त है, त का भी आधा भाग उठाइए, ते से त, ते से तो त हो गया, बट ती बनाने के लिए लास्ट में छोटी ये जोड़ देंगे ना, ऐसे ते में छोटी ये जोड़ दिए, तो ते में ये जुड़ कर ती। अलिफ से अ, गाफ से ग, रे से र, अगर बे से ब और ते में ये जुड़ कर ती, अगर ब ती। लेकिन आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर तो डबल त है, एक आधा था एक पूरा था, तो फिर यहाँ पर भी आप दो ठोते क्यों नहीं यूज़ की हैं, तो ये भी सवाल आप लोगों का जायज़ है, आप लोगों के मन में उठना चाहिए, सही बात है। तो देखिए यहाँ पर एक ही त है, तो इसीलिए तो अगरबत्ती पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर क्या है, अगरबत्ती है, दो बार त है, लेकिन यहाँ पर अगरबत्ती है, ठीक, एक ही बार त है, तो इसको डबल त बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तशदीद लगा देते हैं, तशदीद, इसको कहते हैं हम लोग उर्दू में तशदीद। देखिए जिस तरह आप लोग इंग्लिश में W लिखते हैं ना, इसी को छोटा साइज़ बना दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा तशदीद, ठीक, याद रखिएगा। तो जिस भी अक्षर के ऊपर ये तशदीद लग जाता है, जिस भी उर्दू के हर्फ के ऊपर तशदीद लगता है, उसको दो बार पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर ते के ऊपर क्या लगा है, तशदीद, यानी कि ते को दो बार पढ़ा जाएगा। अब इसको पढ़ा जा सकता है अगर और ब, यहाँ पर अगर हो गया ना, अब ये ते के ऊपर क्या लग गया है, तशदीद लग गया है, यानी कि इसको दो बार पढ़ेंगे, अगर और बत्ती। अगर ये नहीं रहता तशदीद, तो इसको पढ़ते हम लोग अगरबत्ती, क्या पढ़ते, अगरबत्ती, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, तशदीद, तो अब इसको पढ़ा जाएगा अगरबत्ती। तशदीद हटा देंगे तो क्या होगा, अगरबत्ती, तशदीद लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगरबत्ती, ठीक। तो जिस भी अक्षर के ऊपर तशदीद लग जाता है, अच्छा से मैं लगा दूँ तशदीद, जिस भी अक्षर के ऊपर ये तशदीद लग जाता है वो दो बार पढ़ा जाता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या पढ़ाएगा, अगरबत्ती, ठीक। आगे बढ़िए, लेकिन मैं आप लोगों को बताई क्या हूँ, ऐसा मन में माना जाता है कि जो है ना ये इस ते के ऊपर क्या है, तशदीद है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है उर्दू में। आप कहीं पर भी उर्दू लिखा हुआ देखेंगे, उसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद कहीं कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, मन में मान लिया जाता है कि क्या है, ते के ऊपर तशदीद है, ठीक। अगर आप तशदीद नहीं रहता है और आप इस तरह पढ़ते अगरबत्ती, अगरबत्ती पढ़ते, तो ऐसा थोड़ो ना, अगरबत्ती थोड़ो ना आता है, अगरबत्ती होता है, तो इसके ऊपर
मान लिया जाता है क्या है, तशदीद है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है। ये मैं आप लोगों को कितना बार बता चुकी हूँ। ठीक, आगे बढ़िए। महारानी, महारानी में सबसे पहला अक्षर क्या है, मौ। मौ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। मीम से मौ हो गया, हा है। हौ को उर्दू में हे कहते हैं। अब हा बनाने के लिए इसी हे में क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। नी है, नौ को उर्दू में नून कहते हैं। नी बनाने के लिए देखिए कौन सी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। अब इन सबको जोड़िए। मीम का ये बिंदु वाला भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। मीम से मा हो गया। अब ये जो है अपना शकल चेंज करके ये वाला रूप ले लेगा, तो यहाँ पर भी है जो है अपना शकल चेंज के ये वाला रूप ले लिया। देखिए मीम से मा और हे से हा हो गया। उसके बाद से ये जो रे है, हे से हा हो गया, बट इसको हा बनाना है, तो इसी हे में क्या करेंगे, ये अलिफ ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, तो मीम से मा हो गया और इसी हे में क्या जुड़ गया, ये अलिफ जुड़ गया। तो मीम से मा, हे से हा, हे में अलिफ जुड़कर हा। और उसके बाद से रे जिस तरह लिखा है उसी तरह यहाँ पर भी लिख दीजिए, रे से रा, बट इसको रा बनाने के लिए रे में क्या करेंगे, अलिफ ले जाकर चिपका देंगे। तो रे में अलिफ जुड़कर रा, और नून का आधा भाग उठाया जाता है, आप लोग जानते हैं, उठा लीजिए आधा भाग। नून से ना हो गया, बट नी बनाने के लिए आप इसमें छोटी ये जोड़ देंगे ऐसे नून में। तो देखिए मीम से मा, हे में अलिफ जुड़कर हा, रे में अलिफ जुड़कर रा, और नून में ये जुड़कर नी। तो मा हा रा नी, महारानी। ठीक, आगे बढ़िए। दीपावली, दीपावली में सबसे पहला अक्षर क्या है, दी। दो उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं। अब देखिए कौन से ई की मात्रा है दी में, तो छोटी ई की मात्रा है, तो क्या इसके नीचे जेर लगाएंगे, जेर लगाएंगे। आप लोग के हिसाब से यहाँ पर जेर लगना चाहिए, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, तो दाल के नीचे जेर लगेगा तो दी हो जाएगा। लेकिन उर्दू के हिसाब से यहाँ पर जो है ना, दाल के साथ छोटी ये जुड़ता है, क्या जुड़ता है, छोटी ये। दाल में छोटी ये जुड़कर क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा। भले ही ये छोटी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर दाल में छोटी ये जुड़ता है, तो दी होगा। उसके बाद से पा है, पा उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं। पे से पा हो गया, बट पा बनाने के लिए इसमें अलिफ जोड़ेंगे। वह है, वह उर्दू में वाव कहते हैं। प्लस ला है, ली है, ला उर्दू में क्या कहते हैं, एक मिनट इसको अच्छा से लिख दूँ। पे से पा हो गया, पा बनाने के लिए इसमें अलिफ जोड़ दिए। उसके बाद से अगला अक्षर वा है, वा को उर्दू में वाव कहते हैं। ली है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं। लाम से ला हो गया, बट ली बनाने के लिए आप इसमें छोटी ये जोड़ेंगे, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है। ठीक, उसके बाद से अब इन सबको जोड़िए। देखिए दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। दाल से दा हो गया, छोटी ये जो है अपना शकल चेंज करके ऐसे रूप ले लेगी, तो दाल में ये जुड़कर दी हो गया। अब ये जो पे है, पे का आधा भाग उठाइए इतना, तो ये देखिए पे से पा। दाल में ये जुड़कर ये हो गया आप लोगों का दी, और ये हो गया आप लोगों का पे से पा। और पा बनाने के लिए इसी पे में क्या कर देंगे, ये अलिफ जोड़ देंगे, जो अलिफ था इसी पे में ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। तो पे में अलिफ जुड़कर पा, वाव से वा, और लाम का आधा भाग उठाया जाता है इतना, तो उठा लीजिए लाम से ला, और इसी लाम में क्या कर देंगे, छोटी ये जोड़ देंगे, तो ली हो जाएगा। ये देखिए छोटी ये जोड़ दिए, तो ली हो गया। तो देखिए दाल में ये जुड़कर दी, पे में अलिफ जुड़कर पा, वाव से व, लाम में छोटी ये जुड़कर ली, तो दीपावली, दीपावली। ठीक, आगे बढ़िए। बातचीत, बातचीत में सबसे पहला अक्षर क्या है, बा। बा उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। त है, त उर्दू में ते कहते हैं। प्लस ची है, चौक उर्दू में चे कहते हैं। और ची बनाने के लिए देखिए कौन सी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। प्लस लास्ट वाला अक्षर है त, त को उर्दू में ते कहते हैं, यहाँ पर ते लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते हैं बे का आधा भाग उठाया जाता है, तो बे का आधा भाग उठा लिए, बे से बा हो गया, बट बा बनाने के लिए जो अलिफ है इसी बे में ले जाकर जोड़ देंगे, तो बे में अलिफ जुड़कर बा हो गया। और ते से त, तो ते जो है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, तो बे में अलिफ जुड़कर बा और ते से त, ये हो गया बात। उसके बाद से च है, च का आधा भाग उठाइए इतना, उठा लिए, ये हो गया आप लोगों का चे से च। अब ची बनाने के लिए छोटी ये जोड़ना होगा, छोटी ये जो है ना शकल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी, तो देखिए ये हो गया आप लोगों का चे से च, और चे में छोटी ये जुड़ गई तो ची हो गई। उसके बाद से त, ये जो त है पूरा का पूरा त, यानी कि ते ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे, तो देखिए ते से त। अब फिर से ध्यान से देखिए, बे में अलिफ जुड़कर बा, ते से त, बात हो गया। चे में, इस चे में ये, यानी कि छोटी ये जुड़ी तो ये अपना शकल चेंज कर ली, तो चे में ये जुड़कर ची और ते से त, चीत। तो बात प्लस चीत, बातचीत। ठीक, आगे बढ़िए। पिचकारी, पिचकारी में सबसे पहला अक्षर क्या है, पी। पा उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं। उसके बाद से कौन सी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा है, तो इसके नीचे क्या कर देंगे, जेर जोड़ देंगे। उसके बाद से
च है चौक उर्दू में चे कहते हैं, और उसके बाद से अगला अक्षर क्या है का है, कौक उर्दू में काफ कहते हैं, का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। री है रॉक उर्दू में रे कहते हैं, कौन से ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे छोटी ये जोड़ेंगे। अब देखिए पे का इतना ही आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का पे से प। पी बनाने के लिए छोटी की मात्रा है तो जेर जोड़ दिए, ठीक है, तो पे के नीचे जेर जोड़ कर पी हो गया। उसके बाद से ये च है, च का आधा भाग उठाइए, सिर्फ इतना भाग, ठीक है, और उठाकर इसी पे के नीचे ऐसे लाकर जोड़ दीजिए। देखिए इसे ये जो है ना ऐसे यहीं पर आकर ऐसे हो गया, ठीक है, ठीक, तो पे के नीचे जेर जोड़ कर पी, और ये हो गया आप लोगों का चे से च। उसके बाद से काफ का ये आधा भाग उठाया जाता है, काफ का ये आधा भाग, ये सीधा वाला भाग जो है ना इसको सीधा ना रख कर इसको ऐसे गोल कर दिया जाता है, ये सीधा भाग जो है इसको यहाँ पर गोल कर दिया जाता है। तो ये हो गया आप लोग का काफ से का। का बनाने के लिए इसी काफ में क्या करेंगे, अलिफ ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए काफ में अलिफ जुड़कर का हो गया। अब ये जो रे है जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए रे से रा, और री बनाने के लिए इसी रे में छोटी ये ले जाकर लास्ट में चिपका दीजिए, तो रे में ये जुड़कर री। तो देखिए पे के नीचे जेर जुड़कर पी, चे से च, ये वाला जो चे है इसका ऊपर वाला भाग चे से च, पे के नीचे जेर जुड़कर पी, चे से च, काफ में अलिफ जुड़कर का, और रे में ये जुड़कर री, तो पिच का री, पिचकारी, ठीक। आगे बढ़िए छिपकली, छिपकली में सबसे पहला अक्षर क्या है छी, छ को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह सी एच से च और सी में एक सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं सी डबल एच से छ, इन द सेम वे यहाँ पर होता है चे से च, चे से च होता है, बट इसी चे में आप लोग क्या करते हैं एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो चे में हे जुड़कर क्या हो जाता है छ हो जाता है, तो ये हो गया छ। उसके बाद से छी बनाने के लिए देखेंगे कौन से ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो जब छोटी ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें जेर जोड़ देते हैं, तो छ के नीचे क्या करेंगे जेर जोड़ देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा छी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से प है, प उर्दू में क्या कहते हैं पे कहते हैं, पे लिख दीजिए। उसके बाद से क उर्दू में काफ कहते हैं। उसके बाद से ली है, लॉ उर्दू में लाम कहते हैं। बड़ी ई की मात्रा है कि छोटी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी ये जोड़ेंगे, ठीक है। अब इन सब को जोड़िए, देखिए छ जिस तरह लिखा था उसी तरह लिख दीजिए, ये हो गया आप लोग का छ से, ये हो गया आप लोग का छ। उसके बाद से छी है, तो छ के नीचे क्या करेंगे जेर जोड़ देंगे, तो ये हो गया छी, छ के नीचे जेर जोड़ कर छी। और उसके बाद से प का इतना ही भाग उठाया जाता है आधा भाग, तो प का जो है इतना भाग उठा लीजिए, तो देखिए छ के नीचे जेर जोड़ कर तो छी हो गया, और ये हो गया प का यानी कि पे का आधा भाग, इतना आधा भाग, इतना आधा भाग, ठीक, तो पे से प हो गया। उसके बाद से काफ है, काफ का इतना भाग उठाया जाता है, सिर्फ इतना ही भाग, ठीक है, तो काफ का उतना ही भाग उठा लीजिए ऐसे, ठीक, देखिए इतना आधा भाग उठाए तो आधा भाग उठा लिए। अब इसी काफ में आप ये जो लाम है, लाम का आधा भाग इतना उठाकर ऐसे जोड़ दीजिए, देखिए ये हो गया आप लोग का लाम, ये लाम का जो है ना आधा भाग इतना ही लाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आप लोग का लाम से ला, और इसी लाम में ये छोटी ये जोड़ देंगे तो ली हो जाएगा, तो लाम ये जुड़ कर ली। अब देखिए छ के नीचे जेर जुड़ा था तो छी हो गया, पे से प, काफ से क, और लाम में ये जुड़ कर ली, तो छिप कली, छिपकली, देखिए। और जेर नहीं लगाना होता है, दिखाया नहीं जाता है मतलब, लेकिन मन में माना जाता है क्या है कि छ के नीचे जेर है, यहाँ पर भी पिचकारी था तो ये जेर जो दिखाया जा रहा था इसको नहीं दिखाना है, बस मन में मान लेना है कि नीचे क्या है जेर है, तो पिचकारी भी लिखा गया, छिपकली भी लिखा गया। आगे बढ़िए निगरानी, निगरानी में सबसे पहला अक्षर क्या है नी, नौ को उर्दू में क्या कहते हैं नून कहते हैं, प्लस ग है, ग को उर्दू में गाफ के, एक मिनट, नून से तो ना हो गया बट नी है ना यहाँ पर नी, तो कौन सी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा तो है नहीं, अगर बड़ी ई की मात्रा रहती तो इधर से नी रहती, तो जब छोटी ई की मात्रा है तो क्या जोड़ेंगे इसमें जेर जोड़ेंगे, नून के नीचे जेर सिर्फ ऐसे जोड़ देंगे तो नी हो जाएगा। उसके बाद से अगला अक्षर ग है, ग उर्दू में गाफ कहते हैं। उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। नी है, नौ को उर्दू में नून कहते हैं, नी बनाने के लिए देखेंगे कौन से ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर नी में छोटी ई की मात्रा थी तो जेर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर नी में बड़ी ई की मात्रा, इधर से ई की मात्रा है, तो अब इस नून में क्या करेंगे छोटी ये जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा थी, ठीक है। अब इन सबको जोड़िए, नून का आप लोग जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये देखिए नून से ना हो गया। अब गाफ का ये आधा भाग उठाया जाता है, तो गाफ का आधा भाग उठा लीजिए, ये देखिए गाफ से गौ,
ये हो गया आप लोग का नून से ना, और इसी में गाफ जुड़ गया, ऐसे गाफ से गा, उसके बाद से रे जो है इसी गाफ में ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए नून से ना, गाफ से गा और रे से रा, नगर हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, ये नी बनाना है ना, तो नी बनाने के लिए नून के नीचे क्या करेंगे, जेर जोड़ देंगे। रे में क्या करेंगे, ये अलिफ ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। तो नून के नीचे जेर है तो नी, गाफ से गा, रे में अलिफ जुड़कर रा। उसके बाद से नून का ये आधा भाग है, इसको भी लेकर आ जाइए। नून का आधा भाग लेकर आ गए और इसी नून में ये छोटी ये जो है ऐसे आकर जोड़ दीजिए। तो नून में ये जुड़कर नी, तो देखिए नून के नीचे जेर जुड़कर नी, गाफ से ग, रे में अलिफ जुड़कर रा, और नून में ये जुड़कर नी। तो निग रा नी, निगरानी। आगे बढ़िए, अगला अक्षर है मतलबी। मतलबी में सबसे पहला अक्षर क्या है, मौ। मौ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। तो यहाँ पर मीम लिख दीजिए, मीम से मौ हो गई। अगला अक्षर है त, त को उर्दू में तो कहते हैं। ते से भी त होता है लेकिन यहाँ पर तो से त होगा, यहाँ पर तो यूज़ किया जाएगा, तो से त हो गया। ल को उर्दू में लाम कहते हैं। उसके बाद से बी है, ब को उर्दू में बे कहते हैं। बी बनाने के लिए देखिए कौन से ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ये लगाएंगे। उसके बाद से अब इन सबको जोड़िए। मीम का ये बिंदु वाला आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये हो गया आप लोगों का मीम से माँ। अब तो है, तो को पूरा पूरा का पूरा जिस तरह यहाँ पर तो बना है ना, उसी तरह यहाँ पर आप लोग को बना देना है। तो बनता किस तरह, जिस तरह आप लोग इंग्लिश में बी बनाते हैं उसी तरह तो बनता है। तो ये हो गया आप लोगों का तो से त, ठीक। मीम से म और तो से त, मत हो गया। उसके बाद से लाम का ये आधा भाग उठाना है, तो लाम का इतना भाग उठा लीजिए, ठीक। लाम से ला हो गया। अब बे का भी आधा भाग उठाया जाता है इतना, तो उठा लीजिए। बे से ब हो गया। अब उसके बाद से इसी बे में आप छोटी ये ऐसे जोड़ देंगे, तो बे में छोटी ये जुड़कर बी हो जाएगा। देखिए मीम से म, तो से त, मत, लाम से ल, और बे में छोटी ये जुड़कर बी, तो मत ल बी, मतलबी, ठीक। आगे बढ़िए, शर्मीली। शर्मीली में सबसे पहला अक्षर क्या है, श, तलाबे श है, तो इसके लिए कौन सा शीन यूज़ होगा, तो बड़े शीन यूज़ होगा। तो यहाँ पर बड़ी शीन लिख दीजिए, बड़ी शीन से श हो गया। र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। मी है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, ठीक। मीम से म हो गया, बट मी बनाने के लिए देखिए कौन सी की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ये जोड़ेंगे। ली है, लाम से ला होता है, ली बनाने के लिए यहाँ पर छोटी ये जोड़ेंगे। क्यों छोटी ये जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ये जोड़ दीजिए। अब इन सब को जोड़िए। शिन का आप लोग जानते हैं, ये नोकीला भाग, आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये हो गया आप लोगों का शिन से, शिन से श। उसके बाद से इसी शिन में आप लोग क्या करेंगे, ये रे ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। तो शिन में रे जुड़कर शर हो गया। अब मीम का ये बिंदु वाला भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए। मीम का ये बिंदु वाला भाग उठा लिया, मीम से माँ हो गया, बट मी लिखना है ना, यानी कि छोटी ये जोड़ना पड़ेगा। छोटी ये जब किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करती है और ऐसा रूप ले लेती है। तो ये हो गया मीम से माँ, और मीम में ये छोटी ये जुड़ गई, तो मीम में छोटी ये जुड़कर मी हो गई। उसके बाद से लाम है, लाम का आधा भाग उठाया जाता है, तो उठा लिए लाम का इतना आधा भाग, इतना भाग, ठीक है। और उसके बाद से लाम से तो ला हो गया, ली बनाने के लिए छोटी ये जो है इसी लाम में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो लाम में छोटी ये जुड़कर ली। तो देखिए शिन में रे जुड़कर शर, मीम में ये जुड़कर मी, और लाम में ये जुड़कर ली, तो शर मी ली, शर्मीली, ठीक। आगे बढ़िए, कश्मीर। कश्मीर में सबसे पहला अक्षर क्या है, क। क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। लिख दीजिए काफ प्लस श है, तलाबे श है, और वो भी नहीं तो आधा तलाबे श है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आधा शीन लिख दीजिए। ये पूरा का पूरा शीन है, ठीक। इसका आधा करेंगे तो सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा ना, आधा करेंगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा, तो उतना ही सिर्फ आधा भाग इस तरह लिख दीजिए, हाँ इतना, ठीक। ये हो गया शीन का आधा भाग। यहाँ पर आधा श है, तलाबे श का आधा कटा हुआ भाग है, यहाँ पर भी आप लोग शीन का आधा कटा हुआ भाग, काफ से क का हो गया। उसके बाद तलाबे श है, आधा तलाबे श, तो यहाँ पर तलाबे श को उर्दू में शीन कहते हैं, बट यहाँ पर आधा श है, तो यहाँ पर भी आप लोग आधा शीन रखिए। तो ये हो गया आप लोग का शीन से श। उसके बाद से मी है, म उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। मीम से म हो गया, मी बनाने के लिए बड़ी की मात्रा है, तो छोटी ये जोड़ेंगे। उसके बाद से र है, र उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सब को जोड़िए। काफ का आप लोग जानते हैं, आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये देखिए आप लोगों का काफ से क का हो गया। उसके बाद शीन, शीन का ये जितना भाग लिखी थी मैं, तो उठा लीजिए। देखिए ये हो गया आप लोगों का शीन से श। देखिए तीन ठो ये नोक निकला है, तीन ठो कोना निकला है, तो तीन ही ठो आप लोगों को, एक दो तीन, तीन ठो निकालना है, ठीक। तो ये हो गया काफ से क का,
और इसी में शीन जुड़ गया, तो शीन से शा और मीम का जो बिंदु वाला भाग है आधा भाग उठा लेना है और इसी में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए ये हो गया, शीन में मीम जुड़ गया, मीम का ये बिंदु वाला भाग, मीम से म और उसके बाद से मी बनाने के लिए ये जो छोटी ये है मीम में जोड़ना पड़ेगा। तो छोटी ये जोड़ दीजिए ऐसे, ये छोटी ये जो अपना शक्ल चेंज करके ऐसे जुड़ गई, ठीक है ऐसे। तो मीम में ये छोटी ये जुड़कर मी हो गया। अब लास्ट में ये जो रे है ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, ठीक है, मतलब जोड़ दीजिए ये में ये जो रे है ले जाकर ऐसे जोड़ दिए तो रे जुड़ गया। तो देखिए काप से क, शीन से श, कश हो गया, मीम में ये जुड़कर मी और रे से र, तो कश्मीर। काफ से क, शीन से स, कश, मीम में ये जुड़कर मी और ये है आप लोगों का रे, तो रे से र, तो कश्मीर। देखिए इस तरह लिखा जाता है कश्मीर। बवासीर है, बवासीर में सबसे पहला अक्षर क्या है, ब, ब को उर्दू में बे कहते हैं, प्लस वा है, व को उर्दू में वाव कहते हैं, वाव बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। सी है, स को उर्दू में सीन कहते हैं, ठीक। उसके बाद से एक मिनट ये अच्छा से सीन लिख दूँ, सीन हो गया, सीन से स हो गया, बट सी बनाने के लिए आप क्या करेंगे इसमें छोटी ये जोड़ेंगे क्योंकि इधर बड़ी ई की मात्रा है। उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर है र, र को उर्दू में रे कहते हैं, तो यहाँ पर रे लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़िए, बे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए बे का आधा भाग, बे से ब हो गया। उसके बाद से इसमें वाव जोड़ दीजिए, ये जो वाव है इसी बे में ऐसे जोड़ दीजिए, तो बे से ब और वाव से व, बट हमको बवा लिखना है ना, वाव में अलिफ जोड़ना पड़ेगा, तो अलिफ ये वाव में जो है ना अलिफ ले जाकर ऐसे ये वाला अलिफ चिपका दीजिए, ठीक। तो वाव में अलिफ जुड़कर वा और सीन का ये आधा भाग नोगीला भाग उठाना है तो उठा लीजिए, ये हो गया सीन से स, बे से ब, बे में वाव में अलिफ जुड़कर वा, सीन से स, और सी है ना तो इसमें सीन में छोटी ये जोड़ेंगे, तो ये हो गया आप लोगों का छोटी ये, सीन में छोटी ये जुड़कर सी और ये जो रे है ले जाकर ऐसे जोड़ देना है इसी ये में, तो रे से रा, ठीक। तो देखिए बे से ब, वाव में अलिफ जुड़कर वा, ब वा और सीन से स, और सीन में यही छोटी ये जोड़ दिए, तो सीन में छोटी ये जुड़कर सी और रे से रा, तो ब वा सी रा, बवासीर, ठीक। आगे बढ़िए, दीवानगी में सबसे पहला अक्षर क्या है, दी, द को उर्दू में दाल कहते हैं, दी बनाने के लिए देखिए कौन सी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा है, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, जेर जोड़ेंगे। आप लोग के हिसाब से यहाँ पर क्या जुड़ना चाहिए, जेर जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जेर नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा छोटी ये, दाल में छोटी जुड़कर दी हो जाएगा, उसके बाद से वाव होगा, वा वा को उर्दू में क्या कहते हैं, वाव कहते हैं, वा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, उसके बाद से गी है, गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं, गाफ लिख दीजिए, गी बनाने के लिए देखिए कौन से ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। अब इन सबको जोड़िए, दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, दाल से द हो गया, आप लोग जानते हैं छोटी ये जब दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो ये देखिए दाल में ये छोटी ये जुड़ गई तो दी हो गया, उसके बाद से वाव जो है इसी ये में ऐसे जुड़ जाएगा, तो वाव से वा, बट दी वा है ना, वा बनाने के लिए इस वाव में अलिफ को ऐसे ले जाकर चिपका देंगे, ठीक। तो दाल में ये जुड़कर दी, वाव में अलिफ जुड़कर वा हो गया। अब नून का आधा भाग उठाइए, इतना उठा लिए, ये हो गया आप लोग का नून से ना, और गाफ का ये आधा भाग उठाना है ऐसे, ठीक ऐसे, देख रहे हैं गाफ का इतना भाग उठा लेना है, उसके बाद से गाफ से ग हो गया, बट घी बनाने के लिए छोटी ये जो है इसी गाफ में ऐसे ले जाकर जोड़ देंगे, ठीक। तो अब देखिए दाल में ये जुड़कर दी, वाव में अलिफ जुड़कर वा, नून से न, और गाफ में ये जुड़कर, गाफ में ये जुड़कर घी, तो दी वान घी, दीवानगी, ठीक। आगे बढ़िए नाराज़गी, नाराज़गी में सबसे पहला अक्षर क्या है, ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, और रा बनाने के लिए रे में अलिफ जोड़ देंगे, उसके बाद ज है, ज को उर्दू में ज़्वाद कहते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, और उसके बाद से है गी, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, गी बनाने के लिए बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ये जोड़ेंगे, ठीक। नून का आधा भाग उठाइए, उठा लिए नून का आधा भाग, और इसमें अलिफ जुड़कर ना बना दीजिए, नून में अलिफ जुड़कर ना हो गया। अब देखिए रे है, रे, रे से रा हो गया, बट रा है ना, नारा, तो रे में अलिफ जुड़कर रा बना दीजिए, नून में अलिफ जुड़कर ना, रे में अलिफ जुड़कर रा, नारा, और उसके बाद से ज्वाद है, तो ज्वाद जिस तरह, ज्वाद का मैं आप लोग को बताई हूँ सिर्फ आधा भाग, इतना ही भाग उठाया जाता है इतना, ठीक, तो उतना भाग उठा लीजिए, देखिए ये हो गया आप लोगों का ज्वाद से ज, सिर्फ आधा भाग, इतना ही भाग उठाया गया है, तो ये हो गया आप लोग का ज्वाद से
ज, और फिर ये जो गाफ है, गाफ का ये आधा भाग उठा लेना है, तो उठा लीजिए ऐसे, ये हो गया गाफ से ग, और गाफ से तो ग हो गया, बट गी बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसी गाफ में छोटी ये जोड़ देंगे। तो देखिए, नून में अलिफ जुड़ कर ना, रे में अलिफ जुड़ कर रा, ज़ाद से ज, गाफ में छोटी ये जुड़ कर गी, तो नाराज़गी। तो ये हो गया आप लोग का नाराज़गी। आगे बढ़िए, अगला शब्द है रवानगी। रवानगी में सबसे पहला अक्षर क्या है, र। र को उर्दू में रे कहते हैं, वाह है, वाह को उर्दू में वाव कहते हैं, वाह बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, न है, न को उर्दू में नून कहते हैं, उसके बाद से गी है, ग को उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ कहते हैं, गी बनाने के लिए छोटी ये जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़े ई की मात्रा है। ठीक, अब देखिए, रे जिस तरह लिखा है उसी तरह रे लिख दीजिए, ये हो गया आप लोग का रे से र। वाव है, वाव में, वाव से तो वाह हो गया, बट वाह बनाना है, रवा है ना, तो वाह बनाने के लिए वाव में अलिफ जोड़ेंगे, तो वाव में अलिफ जोड़ दीजिए, रे से रा, वाव में अलिफ जोड़ कर वाह, और नून का ये आधा भाग उठा लीजिए, नून का आधा भाग उठा लिए, और इसी में गाफ जोड़ दीजिए, गाफ का ये आधा भाग। ठीक, एक मिनट, गाफ का जो है ना ये आधा भाग ऐसे लाकर ऐसे जोड़ दिया जाता है, फिर गाफ का ये आधा भाग उठ गया, उसके बाद से गाफ से तो गा हो गया, बट गाफ में छोटी ये जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए, तो गाफ में छोटी ये जुड़कर गी हो गया। तो देखिए, रे से रा, वाव में अलिफ जुड़कर वा, नून से न, और गाफ में ये जुड़कर गी, तो र वान गी, रवानगी। ठीक, आगे बढ़िए, नमकीन। नमकीन में सबसे पहला अक्षर क्या है, न। न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, लिख दीजिए नून, उसके बाद से म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, उसके बाद से की है, कौ को उर्दू में काफ कहते हैं, और की बनाने के लिए देखिए कौन सी की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ये लगाएंगे, उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं। ठीक, अब इन सबको जोड़िए, नून का ये आधा भाग उठाइए, नून का आधा भाग उठा लिए, नून से न हो गया, अब ये जो मीम है, मीम का ये बिंदु वाला भाग, आधा भाग उठाइए, तो ये देखिए ये उठा लिए, नून से न हो गया, ये हो गया आप लोगों का मीम से म। ठीक, उसके बाद से काफ का ये आधा भाग उठाना है, तो काफ का ये आधा भाग उठा लिए, नून से ना, मीम से माँ, और काफ से क, लेकिन की है ना, यहाँ पर काफ में छोटी ये जोड़ना पड़ेगा, तो ये छोटी ये जो है ना आकर यहाँ पर ऐसा शक्ल चेंज कर लेगी। ठीक है, तो देखिए, काफ में ये छोटी ये जुड़कर क्या हो गया, काफ में छोटी ये जुड़कर की, और उसके बाद से नून जो है ना ये पूरा का पूरा लास्ट में ले जाकर ऐसे चिपका देना है। तो देखिए, नून से ना, मीम से माँ, काफ में छोटी ये जुड़कर की, और नून से ना, तो नम, काफ में छोटी ये जुड़कर की, नम की, और ना, नमकीन। तो इतने सारे चार अक्षर से मिलकर बने ई मात्रा वाले शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखें। तो इस तरह आप लोग खुद से भी चार अक्षर से मिलकर बने ई मात्रा वाले शब्दों को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और उसको उर्दू में खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग उर्दू को सीख पाएंगे। ठीक, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोग को समझा सकूं, लेकिन फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और उसके बाद से मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।